फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े प्रश्न के उत्तर के रूप में, जो कि अक्सर हम सभी के दिमाग में रहता है कि रविवार को पीपल की पूजा करें ना करें, शनिवार को पीपल की पूजा करें तो कैसे करें। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। इस बात के जरिए कण कण में बसे ईश्वर के स्वरूप और शक्तियों की महिमा उजागर की गई है, और इसी धर्म आस्था को बल देती है पीपल के वृक्ष की पूजा, क्योंकि पीपल को देव वृक्ष माना जाता है। सभी वृक्ष से शुद्ध और पूजनीय माना गया है। कहीं विश्व वृक्ष, कहीं चैत्य वृक्ष, तो कहीं वासुदेव कहा जाता है। इस पीपल के पेड़ पर सभी देवताओं की कृपा मानी जाती है, खास तौर पर शनि दोष को दूर करने के लिए बहुत ही कारगर उपाय बताया गया है। और सिर्फ इसके शास्त्रीय विश्वास नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी होते हैं। अधिकतर पेड़ दिन भर ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जबकि इंसान क्या करते हैं, दिन हो या रात हो, दिन भर ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पर कुछ वृक्ष, यानी कि खासकर पीपल के वृक्ष की जब हम बात करें, तो एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन ही छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है। इसीलिए इसके पास जाने से माना जाता है कई प्रकार के रोग दूर होते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है। पीपल के वृक्ष के पूजन के पीछे भी रोचक धार्मिक कारण भी बताए गए हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम मूलतो ब्रह्म रूपाय, मध्यतो विष्णु रूपिणे, अग्रतः शिव रूपाय, अश्वथाय नमो नमः। मैं वृक्षों में पीपल हूँ। अश्वत्थ किसे कहा गया है? अश्वत्थ पीपल को कहा गया है। कहते हैं कृष्ण भगवान, मैं वृक्षों में पीपल हूँ, पीपल के मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु जी और अग्र भाग में भगवान शिव जी साक्षात रूप में विराजित हैं। और इसीलिए पेड़ पौधों को ऐसे भी हमारे धर्म शास्त्रों में देवताओं का रूप मानकर पूजा जाता है, और खासकर पीपल को देवता का मानकर के पूजन किया जाता है। कहा जाता है, नियमित रूप से आप पीपल पर जल चढ़ाएंगे तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होगी, शत्रुओं का नाश होगा, सुख संपत्ति, धन धान्य, ऐश्वर्य, संतान सुख सभी की प्राप्ति होगी, और इसकी पूजा से ग्रह दोषों का भी निवारण होता है। खासकर अमावस्या और शनिवार को पीपल वृक्ष की पूजा तो जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती है। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से बहुत लाभ की प्राप्ति होती है। हर दिन आप ये संभव नहीं भी हो तो सिर्फ शनिवार को कीजिए, आप ये भी बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। और ऐसा करने से आपके रुके हुए काम, बिगड़े हुए काम, ये सभी ठीक होने लगते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त होने लगती है। शनिवार को अगर इस पीपल के वृक्ष पर आप जल चढ़ाते हैं तो ये श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन शाम के बाद जल नहीं चढ़ाएं, इस बात का ध्यान रखें। और पीपल के वृक्ष को काटना वर्जित माना जाता है। ऐसा करने से माना जाता है पितरों को कष्ट मिलता है, वंश वृद्धि में रुकावट होती है। तो अगर आपके घर पर उग भी गया है पीपल का वृक्ष, तो पहले उसे आप छोटे से गमले में ट्रांसफर करके 2-3 दिन उसकी सेवा करें, उसके बाद किसी मंदिर में या किसी खाली जमीन पर उसको आप लगा दें, ताकि वो बड़ा होने तक आप उसकी सेवा कर सकें। दोस्तों, शनिवार का दिन होता है और ऐसे भी शनि देव की पूजा का विधान है। आप जब भी शनिवार के दिन शनि देव को तेल आदि चढ़ा लें, या जो भी आपको पूजन करना है वो करें, और साथ ही साथ शनिवार के दिन पीपल के जड़ों में तेल डालने के बाद ओम शम शनिश्चराय नमः, क्या बोलेंगे, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र की माला का आप जप करते हैं, तो इससे शनि देव को शांत किया जा सकता है। शनि की साढ़े साती हो, कुदृष्टि हो, ढैया हो, किसी भी प्रकार के शनि दोष हो, उनसे मुक्ति मिलती है। दोस्तों, पीपल के पेड़ की परिक्रमा का भी विशेष महत्व बताया जाता है। शनिवार के दिन जब आप पीपल के वृक्ष की पूजा करें, जल कच्चा दूध थोड़ा डाल करके आप चढ़ाएं, इसके बाद आपको 7 परिक्रमा करनी चाहिए। ध्यान रखें, 7 परिक्रमा करें, और चाहे तो कच्चा सूत लपेटते हुए करें, ये भी अच्छा रहता है। और जब परिक्रमा पूरी हो जाए, इसके बाद जल को नेत्रों में लगाना चाहिए और ओम पितृ देवाय नमः, क्या बोलेंगे, 4 बार आपको बोलना है ओम पितृ देवाय नमः। इस प्रकार से बोलने पर राहु केतु और शनि प्लस पितृ दोष, ये चारों का निवारण होता है।
दोस्तों अगर आपके सामने लगातार आर्थिक परेशानियां आ रही है, कर्ज चढ़ गया है, समझ नहीं आता है, कोई पैसा उधार लेके भाग गया है, तो शनिवार की शाम को आपको शनि देव का विधिवत पूजन करना चाहिए। इसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। पीपल के पेड़ से कुछ पत्ते तोड़कर घर ले आए, इनको गंगा जल से धो लें। अगर शाम के बाद आप जाते पीपल के वृक्ष के नीचे तो आपको तोड़ने नहीं चाहिए पत्ते, नीचे काफी पत्ते गिरे हुए होते हैं, वो आप अच्छे पत्ते देख करके घर ले आएं और पानी में हल्दी डाल करके एक गाढ़ा सा घोल तैयार कर ले। दाहिने हाथ की जो अनामिका उंगली है उससे इस घोल को लेकर के पीपल के पत्ते पर रिम लिखना है आपको। अपने घर के जो पूजा स्थल है वहां पर इसे ले जाकर रख दें और धूप दीप आदि से इसका पूजन करें। अपने इष्ट देव का ध्यान करें, प्रार्थना करें कि आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो, जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो। अगर आपके घर में पूजा स्थल नहीं भी है तो भी आप उत्तर या पूरब की तरफ चटाई बिछा करके या आसन बिछा करके पद्मासन में बैठ जाएं और किसी साफ प्लेट में इस पत्ते को रख लें और इसी प्रकार से धूप दीप दिखाते हुए आपको पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद पीपल के पत्ते को आप पर्स या तिजोरी में रख लीजिए और इस प्रकार से आप एक 4-5 हफ्ते तक इस उपाय को करते हैं और तो आपके लिए बहुत लाभकारी होता है। हर शनिवार को पुराना जो पत्ता है वो किसी मंदिर में जाकर के चढ़ाएं और फिर जैसे मैंने पहले विधि बताई इसी तरह से नया पत्ता लेकर के वापस से पूजन करके फिर आप इसको पर्स में रख लें। दोस्तों आप देखेंगे मेरी बात, एक बार मान के देखिए, विश्वास पूर्ण तरीके से इसको कीजिए, कुछ हफ्ते में इस उपाय को करने से आपकी धन की समस्या दूर होने लगती है। देववृक्ष पीपल होते ही हैं, पूजा करके अगर इनकी पूजा की जाए तो ग्रह दोष दूर होते हैं, दरिद्रता का अंत होता है। और शनिवार की शाम को आप एक दूसरा उपाय भी कर सकते हैं, पीपल की जड़ में थोड़े से गाय का दूध मिला लें जल में और चंदन और काले तिल मिला लें थोड़े से और उसको आपको अर्पित करने चाहिए। थोड़ा सी मिठाई का भोग लगाएं, जो आपकी इच्छा हो, जो आपकी हैसियत हो उस हिसाब से मिठाई ले लें और कुशा का आसन अगर आपके पास है तो वो बिछा करके या मोटा आसन लेकर के गाय का घी का दिया जला लें, धूप जलाएं और 108 मंत्र की रुद्राक्ष या चंदन की माला से आपको जप करना चाहिए। ओम नमो भास्कराय अमुक सर्व ग्रहणाम पीड़ा नाश कुरु कुरु स्वाहा। क्या बोलना है इसमें, जो अमुक शब्द है उसके स्थान पर आपको ग्रह पीड़ित जो भी परिजन है आपके, लेट्स सपोज मैं किसी राज की बात करती हूँ तो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति का आप नाम ले सकते हैं। जैसे कि मेरा नाम सुमी है तो मुझ पे कोई पीड़ा है तो मैं बोलूंगी ओम नमो भास्कराय सुमी सर्व ग्रहणाम पीड़ा नाश कुरु कुरु स्वाहा। या मैं किसी राज की या जूली की बात करती हूँ तो मैं ऐसे बात करूंगी ओम नमो भास्कराय राज सर्व ग्रहणाम पीड़ा नाश कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से आपको अमुक के स्थान पर आपको जो भी पर्सन पीड़ित है उनका नाम लेना है और फिर मंत्र जप के बाद त्रिदेव जो है ब्रह्मा विष्णु महेश उनका ध्यान करें, आरती कर सकते हैं तो आरती कीजिए और मंगल की कामना करें। दोस्तों जो भी व्यक्ति नियमित रूप से पीपल पर जल चढ़ाना चाहता है वो बिल्कुल उनको चढ़ाना चाहिए, उनकी कुंडली से ग्रहों का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। यहां तक कि पीपल की जो परिक्रमा करते हैं उसको करने से कुंडली में काल सर्प दोष तक की जो ग्रहों के दोष होते हैं इवन काल सर्प दोष तक से मुक्ति मिलती है। और शनिवार के दिन आपको पीपल को दोनों हाथों से स्पर्श करते हुए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी 108 बार आप अगर जप करते हैं तो भी आपको ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। आप चाहें तो पीपल के वृक्ष लगवाएं, इससे भी आपके जीवन में कुंडली में पितृ दोष दूर होते हैं और शनि की साढ़े साथी हो, ढैया का प्रभाव हो, इससे बचने के लिए आपको हर शनिवार को पीपल के पेड़ पर जैसे मैंने बताया सच्ची श्रद्धा से आपको आराधना करनी चाहिए। 7 परिक्रमा जरूर करें और इन सभी से आपको शनि दोषों से मुक्ति मिलती है। पीपल पूजा ही दरिद्रता दूर करके मनुष्य को सुख ऐश्वर्य और धन की कामना को पूर्ण करने वाली मानी गई है। लेकिन रविवार के दिन पीपल की पूजा बिल्कुल निषेध बताई गई है। इसके बारे में क्यों बताई गई है निषेध, इसके बारे में भी एक बहुत ही सुंदर कथा प्रचलित है, वो मैं आज आपको बताती हूँ। कहा जाता है कि रविवार के दिन पीपल की पूजा करने से घर में दरिद्रता का वास होता है, फिर चाहे आप जितनी मेहनत कर लें लेकिन आपको हमेशा असफलता ही मिलेगी। रात में पीपल की पूजा को निषिद्ध माना गया है क्योंकि ऐसा करने से भी रात में क्या कहते हैं कि पीपल पर दरिद्रता बसती है और सूर्योदय के बाद पीपल पर लक्ष्मी का वास माना गया है। आपको जो कथा बताती हूँ उसके अनुसार माता लक्ष्मी और उनकी बड़ी बहन दरिद्रा एक बार भगवान विष्णु के पास गई और उनसे बोली कि जगत के पालनहार कृपा हमें रहने के लिए स्थान दे।
इस बात पर विष्णु भगवान बोले कि आप दोनों लोग पीपल के वृक्ष पर निवास करें, और इस तरह दोनों बहनें उस वृक्ष पर निवास करने लगी और पीपल को भी भगवान विष्णु से ये वरदान प्राप्त हुआ कि जो भी शनिवार के दिन इसकी पूजन करेगा उसके ऊपर हमेशा लक्ष्मी कृपा बनी रहेगी। जब धीरे धीरे समय बीतता गया, एक बार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से विवाह करना चाहा तो लक्ष्मी माता ने इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी बड़ी बहन दरिद्रा का विवाह अभी नहीं हुआ था। उनके विवाह के बाद ही वह श्री विष्णु भगवान से विवाह कर सकती थी। इसलिए माता लक्ष्मी ने अपनी बहन दरिद्रा से पूछा कि वो कैसा वर पाना चाहती है। तो वह बोली कि वह ऐसा पति चाहती है जो कभी पूजा पाठ न करे और उसे ऐसे स्थान पर रखे जहाँ कोई पूजा पाठ नहीं करना। भगवान विष्णु ने उनके लिए ऋषि नामक वर चुना और दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। अब दरिद्रा की शर्त के अनुसार ही उन दोनों को ऐसे स्थान पर वास करना था जहां कोई भी धार्मिक कार्य ना होता हो। ऋषि उसके लिए उसके मन भावन स्थान ढूंढने निकल पड़े, लेकिन उन्हें कहीं पर भी ऐसा स्थान नहीं मिला। और जब बहुत अधिक समय बीत गया तब ऋषि वापस नहीं आए तो दरिद्रा उनके इंतजार में विलाप करने लगी। इसी क्रम में भगवान विष्णु ने दोबारा लक्ष्मी माँ के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो लक्ष्मी जी बोली कि जब तक मेरी बहन की गृहस्थी नहीं बसती मैं विवाह नहीं करूंगी। इस बात पर भगवान विष्णु को समझ नहीं आया कि ऐसा कौन सी जगह ढूंढे जहां पर कोई धर्म ना हो। धरती पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां कोई धार्मिक कार्य ना होता हो। इसलिए भगवान विष्णु ने अपने निवास स्थान पीपल को रविवार के लिए दरिद्रा और उसके पति को दे दिया। इसी कारण हर रविवार पर पीपल के नीचे देवताओं का वास न हो करके दरिद्रा का वास होता है और इसी कारण इस दिन पीपल की पूजा वर्जित मानी जाती है। तो ध्यान रखें, जो लोग भी रविवार के दिन अगर पीपल की पूजा करते हैं तो उन पर दरिद्रता प्रसन्न हो जाती है और उनके साथ उनके घर पर वास करने लगती है। ऐसी अवस्था में उल्टा आप सोचेंगे कि मैं तो पीपल की पूजा कर रहा हूं लेकिन मेरे घर में उल्टा हो रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि ऐसी अवस्था में मनुष्य स्वयं अपने घर पे गरीबी और मुसीबतों को लेकर के आता है और धन के अभाव जब होते हैं तो बहुत सारी परेशानियां जन्म लेती है, पारिवारिक कलह उत्पन्न होते हैं। इसलिए ध्यान रखें हमेशा कि रविवार के पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए, बाकी दिन कीजिए। आपके घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में सुख शांति का वास होता है। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सके। और हाँ दोस्तों, अपने फ्रेंड्स फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इस बात को शेयर जरूर करें कि हम संडे के दिन यानी कि रविवार के दिन पीपल की पूजा क्यों नहीं करते और शनिवार के दिन हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए। सो टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी, बम भोलेनाथ की।